यूपी में बिकता है कानून, बोलो खरीदोगे? शर्त बस दाम सही हो। बात बरेली के थाना इज्जत नगर की है, जो फर्जी मामले और रस्सी का सांप बनाने में हमेशा सुर्खियों में रहता है। कहानी है नाबालिग युवक सचिन की, जिसको थाना भोजीपुरा और इज्जत नगर पुलिस ने अपराधी बना दिया। मामला सिर्फ मोटी रकम कमाने का है और इस सारे खेल के कर्ता धर्ता थाना इज्जत नगर के प्रभारी निरीक्षक कमलकांत वर्मा और दरोगा प्रमोद कुमार यादव हैं। दरअसल भोजीपुरा और इज्जत नगर पुलिस की मेहरबानी से एक छात्र अब अपराधी और गैंग का लीडर बना दिया गया है। कहानी 2019 की है, जब सचिन अपने स्कूल की जिंदगी में हंसते खेलते जी रहा था कि अचानक भोजीपुरा और इज्जत नगर पुलिस की एंट्री उसकी जिंदगी में हो जाती है। एक छात्र को वाहन चोर बना दिया जाता है और पुलिस उसे सलाखों के पीछे भेज देती है। सचिन समझ पाता इससे पहले ही उसकी हंसती खेलती जिंदगी बहुत दूर हो चुकी थी। इतना ही नहीं, जब पीड़ित पिता अपने बेटे की पैरवी के लिए आला अधिकारियों की चौखट पर पहुंचता है तो बौखलाए इज्जत नगर पुलिस और भोजीपुरा की पुलिस पिता को घर से घसीट कर लॉकअप में बंद कर देती है। इज्जत नगर पुलिस के इंस्पेक्टर और दारोगा प्रमोद यादव अधिकारियों को क्षेत्र में हुए अच्छे कामों के बारे में बखूबी बताते हैं, लेकिन जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं वह पूरी तरीके से छुपाते हैं। अब सचिन और सचिन के पिता न्याय के लिए अधिकारियों की दर पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इंसाफ बहुत दूर है। इज्जत नगर पुलिस को सचिन के पिता की शिकायत करना इस कदर नागवार गुजरा कि उन्होंने पिछले 24 घंटों से भी ज्यादा वक्त से उस पिता को थाने में बिठा रखा है और लॉकअप में बंद कर रखा है। अब आप ही बताइए, एक पिता का भला कसूर क्या है जो उसे 24 घंटों से थाने में बंद कर रखा गया है। बताया ये भी जा रहा है कि अपनी शर्मो हया बेच कर खैनी खा चुकी बरेली की पुलिस ने सचिन के पिता की जेब से 2000 रुपए निकाल लिए। अब एक मजबूर पिता है और उसका बेकसूर बेटा, और इन सब के बीच अपनी जेबें गर्म करने को आतुर बरेली की पुलिस है, जिसे सचिन पर दर्ज फर्जी मुकदमे खत्म करने के एवज में चाहिए मोटी बख्शीश, जिसे दे पाने में एक पिता नाकाबिल है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? क्या आपने इज्जत नगर पुलिस पर जो आरोप लगाए, क्या है आपका ये पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हमारे लड़के को सचिन कुमार नाम था, उसको चोरी की गाड़ी पे बैठा के जबरन उसकी वीडियो बनाकर वो हमें उससे गुमराह करके जो दिखाया गया कि ये लड़का हम जेल भिजवा देंगे, जो लड़का खिलाफ हमने किया था देंगे, तो 20,000 रुपये हमसे लिए। उनकी शिकायत हमने 15 तारीख पाँचवा महीना सन 2020 को मैंने लिखित पत्र जो है जन सुनवाई केंद्र और लखनऊ मानवाधिकार आयोग को ऑनलाइन पत्र दिया, जिसकी जब उनको जानकारी थाना इज्जत नगर को हुई तो उनके खिलाफ हमने लिखा था। उनने हमारे ऊपर इस चीज़ का दबाव बनाते हुए उनको जैसे जिद हो जाती है, इसमें नाराज हो गई थाना इज्जत नगर पुलिस। तो डेरा पीर पे जो है कुछ अपने काम से गए थे, वहाँ दरोगा जी 3 तारीख को प्रमोद कुमार ये आते हैं वहाँ सादा वर्दी में, कहाँ तैनात है ये प्रमोद कुमार दरोगा? थाना इज्जत नगर, ये डेरा पीर वहाँ मिलते हैं सादा वर्दी में। तो ये जो है बोलते हैं हाँ भाई कम पैसा तो दिया था हमें, बोले हाँ भाई राजेंद्र प्रसाद तुम्हें होंगे? हाँ हमें। बोले अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारी बहुत दिन से तलाश थी, बहुत दरखास्त मारी करते हो, चलो तुम्हें इंस्पेक्टर साहब के वर्मा जी ने बताया, तो चलो सर हम जो इनके साथ चले गए, हमको ऐसी पता नहीं थी। वहाँ थाने में अंदर पहुँचे तो इन लोगों ने मुझे बाहर ना बिठा के सीधे लॉकों में बंद, लॉकों में बंद करके हमको काफ़ी प्रताड़ना दी, जिसमें प्रमोद कुमार ने जान से मारने की नीयत से हमारा गला दबाया। के वर्मा जो प्रभारी है थाना प्रभारी इज्जत नगर, उन्होंने थप्पड़ हमारे बाएं कान में जो मारा था उससे हमारे बाएं कान में चोट काफ़ी लगी, जिससे हमारे कान में सुनवाई नहीं आ रही थी, और जो है पीछे जो हमारे डंडा लगा मारा था
कूट मारी है वो अशोक कुमार दरोगा, ये प्रमोद कुमार जी ने बताया था कि अशोक कुमार दरोगा जी है। बने रहिए LTD न्यूज़ के साथ, हमारे LTD न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।